ऑन क्यों फ्रेंड्स, हमारा जो आज का लेक्चर है हमारे पास लूप्स का लेक्चर है। लूप्स बेसिकली होते हैं किसी भी एक काम को बार 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 रिपीट करने के लिए हम जो स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं उन्हें लूप्स कहा जाता है। लूप्स बेसिकली इस्तेमाल क्यों होते हैं, लूप्स का जो मकसद है, लूप्स को बनाने का मकसद है वो ये है कि अगर आपको एक काम 10 दफ़ा करना है तो बजाय आपके कि वो आपको उस काम के आप वो जो कोड है जो आपने 10 दफ़ा लिखना है, आप उसको 10 दफ़ा लिखने के बजाय लूप के अंदर यूज़ कर लें ताकि वो लूप जो है वो आपके उस प्रोग्राम को 10 टाइम्स रिपीट करता जाए और आपकी जो एफर्ट्स हैं वो कम से कम हो सकें। जो आज का हमारा लूप की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, जो हमारा आज का पहला जिसमें फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, और जावा आपको फोर्थ लूप प्रोवाइड करता है जो कि फॉर ईच लूप है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर लूप। फॉर लूप हम बेसिकली डिसाइड करेंगे, मैं आपको ये सिखाऊंगा कि फॉर लूप इस्तेमाल कैसे किया जाता है, फॉर लूप को यूज़ कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो हमारे पास फॉर लूप का सिंटैक्स है वो हमारे पास फॉर का कीवर्ड है। फॉर कीवर्ड के अंदर हम लोगों ने, उसके बाद ये पैरेंथेसिस आती है। पैरेंथेसिस के अंदर आपने 3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहली जो चीज़ है वो आपके पास वेरिएबल की डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अगर आपका जो लूप है वो शुरू होना चाहिए 0 से, ठीक है, ये आपकी डिक्लेरेशन हो गई कि उस आई के अंदर जो वैल्यू आ गई वो 0 हो गई। 0 से आपका मतलब पहली से आइटरेशन से आपका लूप जो है वो शुरू होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो आपके पास है कंडीशन आप प्रोवाइड करनी है कि कब तक चलता रहे। तो मैं कहता हूँ आई तब तक चलता रहे जब तक ये आई की वैल्यू जो है वो 10 से लेस ना हो, और फिर आई में हम लोग एक एक का इंक्रीमेंट करते हैं। बेसिकली जो आपके पास पहला पोर्शन है ये आपके पास इंक्रीमेंट का पोर्शन, सॉरी डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन का पोर्शन है, जिसमें आप आई डिक्लेयर कर रहे होते हैं और उसमें आपने आई को कोई ना कोई वैल्यू असाइन की। इसी तरह सेकंड जो चीज़ है वो आपके पास कंडीशन है कि इस कंडीशन के अंदर रहते हुए आपने जो है वो अपने इस लूप को कंटिन्यू करना, और ये आपके पास इंक्रीमेंट है एक एक का इंक्रीमेंट भी। अब जो आपने कोड रिपीट करना है वो आप इन ब्रैकेट्स के अंदर, एक ये ब्रैकेट आपकी और ये एक ये ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर आपने उस कोड को लिखना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक वर्ड है उसको बार बार 10 दफ़ा प्रिंट करवाऊँ, तो मैं उस वैल्यू को जो है वो 10 दफ़ा प्रिंट करने के लिए स्टेटमेंट एक ही दफ़ा लिखूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और इसके अंदर मैं कर देता हूँ कोई भी वर्ड लिख देता हूँ। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि क्या ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है। रन एज जावा एप्लीकेशन, ये देखें आपके पास जो लूप है वो 10 टाइम्स और एग्जीक्यूट हो रहा है। इस चीज़ को ज़्यादा इजी करने के लिए मैं ये कर देता हूँ कि इसके साथ इंडेक्स का नंबर भी कर देता हूँ, आई प्लस अब इसको अगर रन करके देखें तो अभी आप देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल ये 10 टाइम्स प्रिंट हो गया। स्टेटमेंट हम लोगों ने एक ही दफ़ा लिखी लेकिन उसको हम लोगों ने लूप के अंदर यूज़ किया, तो उसने लूप ने क्या किया, एक ही स्टेटमेंट को बार 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 एग्जीक्यूट करा के हमारे काम को आसान कर दिया, बजाय इसके कि हम इसी एक स्टेटमेंट को 10 दफ़ा लिखते, 10 दफ़ा बार 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 टाइप करते तो हमारी एफर्ट ज़्यादा लगती है, हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा लगते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों ने फॉर लूप इस्तेमाल कर लिया। सेकंड चीज़, आप इस वैल्यू की वैल्यू जो है वो अपने अंदर इस अपने लूप के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह जो सेकंड चीज़ आती है वो आ जाती है आपके पास नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप बेसिकली क्या होता है, लूप के अंदर एक दूसरा लूप, जैसे आपके पास नेस्टेड लूप बेसिकली आपके पास लूप इनसाइड लूप। तो अगर मैं फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप यूज़ करूँ या कोई और लूप यूज़ करूँ तो वो लूप बेसिकली नेस्टेड लूप होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं फॉर एक और वेरिएबल लूप लगा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 10, जे प्लस प्लस, और अभी मैं इसी स्टेटमेंट को जो है वो यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, देखिएगा अब आई प्लस और
अब देखिएगा, अगर मैं इसको रन करता हूँ और रन करने के बाद अब क्या होगा, बेसिकली ये देख रहे हैं आप, इसने आप प्रोग्राम को डबल टाइम्स रन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले क्या हो रहा है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले क्या होगा कि पहले अंदर का लूप कंप्लीट होगा, 10 टाइम लूप चलेगा। अब जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप यहाँ से ब्रेक करके दोबारा इनिशियल पोजीशन पे जाएगा, यहाँ चेक करेगा, इंक्रीमेंट होगा आई में 1, और उसके बाद देखेगा कि क्या आई में आई लेस देन 10 है, इन मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 होने के बाद चेक करेगा क्या आई लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू, तो दोबारा ये लूप एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह 10 टाइम्स जो है, पहले ये लूप एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद फिर ये लूप एग्जीक्यूट होगा। आप देख सकते हैं अपने आउटपुट में, ये देखें शुरू में आई की जो वैल्यूज हैं वो 0000 और जो के की वैल्यूज हैं वो चेंज होती जा रही है। इस तरह फिर आई की वैल्यू जो है वो ऐसा ऐसा आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, 1 होता गया, और जे की वैल्यू भी इंक्रीमेंट। तो सबसे पहले आपके पास जो इनिशियल लूप है वो एग्जीक्यूट होगा, जो नेस्टेड लूप है वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर आपका आउटर लूप जो है वो या पेरेंट लूप एग्जीक्यूट होगा। लूप की एक और एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं ताकि हमें इस चीज़ की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो इसके लिए मैंने एक सिनेरियो चूज़ किया है कि हम लोग जो एक प्रोग्राम बनाना है जो यूज़र से 2 इनपुट, बेसिकली अभी हम लोगों ने इनपुट नहीं पढ़ी तो हम लोग हार्ड कोड वैल्यूज़ करेंगे, 2 इनपुट ले यूज़र से, और फिर उसमें बताए कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं वो यूज़र को प्रिंट करके दे। तो अब बेसिकली चूंकि हमारे पास अभी तक हम लोगों ने इनपुट की स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, तो उसके लिए जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, वो फाइनल ऑप्शन है, वो यही है कि हम लोग हार्ड कोड वैल्यूज यूज करें। तो हमें सबसे पहले जो चीज चाहिए वो हमारे पास int num1 इक्वल टू समथिंग, सपोज हम लोग कह रहे हैं 0 से शुरू हो और नंबर 2 में 20 के बीच में जितने भी हमारे पास वैल्यूज हैं वो हमें इवन वैल्यूज हैं वो शो हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिपीटिशन करनी है। बेसिकली इवन नंबर्स कौन से होते हैं, हर वो नंबर जिसका रिमाइंडर हम 2 से लें तो रिमाइंडर 0 आ जाए, वो हमारे पास इवन नंबर्स होते हैं। तो हम लोग चेक करेंगे इसमें, सबसे पहले तो हम लोगों ने रिपीटेशन करनी है फॉर लूप के थ्रू। तो फॉर लूप में बेसिकली हम लोगों ने जो कंडीशन चेक करनी है वो क्या है, हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से करना है। सबसे पहले int i इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करना है, नंबर 1 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, i लेस देन नम टू आई लेस देन इक्वल टू नंबर 2, हमने नंबर 2 तक जाना है, और आई में एक एक का इंक्रीमेंट हो ताकि एक एक नंबर जो है वो इंक्रीज होता रहे। अब हम लोगों ने चेक करना है कि क्या जो वैल्यू हमारे पास आई पड़ी हुई है, क्या उस आई के अंदर जो है उसका अगर हम लोग रिमाइंडर लें 2 के साथ, तो क्या वो हमारे पास 2 के साथ जो रिमाइंडर आई हमारे पास 2 के साथ जो अगर हम लोग रिमाइंडर लें तो क्या वो इक्वल टू 0 आता है। अगर तो 0 आता है तो हम लोगों ने आई की वो वैल्यू प्रिंट करवा देनी है, और वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे आप आई को यूज कर सकते हैं, आई की वैल्यू प्रिंट करवा देगा। अब होगा क्या, इसको एक दफ़ा ड्राई रन कर देते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास नंबर 1 और नंबर 2 दो वेरिएबल बन गए, और उनको हम लोगों ने इनिशियल वैल्यूज जो है वो डिक्लेयर करवा दी। उसके बाद हम लोगों ने लूप चलाया कि हम लोगों ने चेक करना है हर नंबर को कि क्या वो इवन है या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास अगर 20 नंबर है तो हमारा लूप 20 दफ़ा चलेगा, मतलब हम लोगों ने शुरू करना है नंबर 1 से और एंड करना है नंबर 2 तक। उसके बाद हम लोगों ने हर एक नंबर में इंक्रीमेंट करते जाना ताकि हर नंबर को हम लोग अप्रोच कर सकें, हर नंबर को हम लोगों ने यूज करते हुए उसको चेक करना है, उसका रिमाइंडर लेना है कि रिमाइंडर क्या उसका 0 आता है। अगर तो 0 आता है तो इसका मतलब क्या वो इवन है, अगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता तो इसका मतलब क्या वो ऑड है। तो रन करके देखते हैं, रन करने के बाद देखें आपके पास 0 से लेके 0 इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20 जो हमारे पास इवन नंबर्स हैं। इसके अलावा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19 ये ऑड नंबर थे, इसलिए हमारे जिस प्रोग्राम ने इनको प्रिंट नहीं किया।